Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. आज मैं बहुत अरसे बाद जो हूँ ना तैयार हुई हूँ, और तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं अपना फेवरेट काम करने जा रही हूँ. अली हमजा जो है हमें फाइनली ईद शॉपिंग पे लेके जा रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. हम लोग जा रहे हैं सेंटोरस में, अम्मा हमना और अली हमजा. तो चले चलते हैं. चलें जी मैडम. चलें मैडम. मैडम नंबर टू, लेट्स गो. हाँ बाहर ना आ जाए. अम्बल जो है ना आजकल बहुत आवारा हुई हुई है, दरवाजे के सामने आके बैठ जाती है और इंतजार करती है कब खुले और वो कब पोर्च में आए. हाँ ये गोल जी है. नहीं ये ऐसी चलती है थोड़ी बिगली बिगली होके. इसके बच्चे हुए थे? नहीं वो बैगी थी. कैसी हो तुम? कैसी हो गोल जी? आ गए हैं सेंटोरस. अब यहाँ से आगे की जो चीज़ें हैं ना आप अली हमजा के व्लॉग में देख लीजिएगा, और मैं आप लोगों को घर जाके शॉपिंग ट्राई करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह. थैंक्स. क्या सोचा हुआ? क्या लेना? नहीं सारी दुकानों पे जाना है. लेमन सोडा पीनी? लेमन सोडा. मुझे तो लगा तुमने डिसाइड किया जाके बस लोग ही और हम घर चले जाएंगे. तुम अभी जाओ घर. हमारी शॉपिंग कैसी गुजरी ये तो आप लोग देख लीजिएगा अली हमजा के व्लॉग में. लेकिन अब हम लोग आए हैं बास्किन रॉबिन्स. बास्किन रॉबिन. बास्किन रॉबिन आइसक्रीम. चलो आइसक्रीम खाने. इस जो लोग मेरे पहले से व्लॉग्स देखते हैं ना उनको पता होगा मेरा फेवरेट बास्किन रॉबिन्स का फ्लेवर टूथपेस्ट. बट आज वो नहीं था. आज आई गॉट अनदर ग्रीन आइसक्रीम. ओह इट मैचेस माय क्लोथ्स. दिस इज पिस्टाचियो आमंड एंड दिस इज आल्सो रियली नाइस. चलें जी गाइस होम एंड आई हैव टेकन माय मेकअप ऑफ. और 12:37 हो रहे हैं और डेडिकेशन. जी जान ये कब खेलेंगे? ये मैं बैडमिंटन लाई हूँ आज. हम सहरी के बाद खेलेंगे. थोड़ा सा खेलें इधर दिखाओ. देखते हैं किसकी गेम बेहतर है. चिड़ी छक्का गया. चिड़ी छक्का यार तुम ज्यादा जोर से मारा है तुमने. मेरे सर पे खड़े होकर शॉट मार रही हो. ऐसा करो उड़ा दो. अच्छा बाहर ही खेलेंगे. Established के हम दोनों की गेम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. सो गाइस मैं बोल रही थी कि आप डेडिकेशन चेक करें. माशाल्लाह 12:45 हो रहे हैं. वी आर गोइंग टू द जिम. द जिम. आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज़ आई नो यू डिडंट वांट टू. बैक एंड बाइसेप्स. स्लीपी. बड़ी मुश्किल से लोअर बॉडी है. बड़ी मुश्किल से तुम्हारी मॉन्स्टर पी के मैंने हिम्मत जरा थोड़ी की है. नहीं अब और नहीं. और नहीं. आई सपोर्ट स्ट्रेज. यस वी डू. Wow, such an empty gym. Okay, never mind. हाँ गाइज ये देखें ये हमारे जिम वाले ऐसे एम्बेरस करते हैं. अनपेड इतना बड़ा बड़ा लिख के मेरे नाम के आगे नहीं लिखा हुआ. बट सम गाइज तुम्हारा दो दफ़ा हो गया. अली हमजा अली हमजा. वैसे बड़ी ये अच्छा तरीका है. मतलब देखें सर फीस देते हैं. सर फीस देते हैं और लोग देते भी नहीं यार. 10-15 सेम महीना महीना देते हैं लोग फीस देते. ये अच्छा तरीका है कि आप पंच करो आप देखा अनपेड. हेलो आई केम टू शो एवरीवन योर जिम फेस. आर दिस योर डंबल्स अली हमजा? आर दिस योर्स? 6 kgs. पंपिंग आ रहे. 6 शुरू का नहीं दिखाया एंड का दिखाना था यार. 6 से तो मैं 40 रेप निकाल लूँगी. ये देखना देखने की चीज़ देख देखें. नहीं देखने की चीज़ ये है. आई एम डन विद माई वर्कआउट. लुक एट माई स्किन ब्लर. करो ना करो कैमरा करो ना करो ना. बिग लग रहे हो. बिग फाइन. लुक एट द फेस. अली'स जिम फेस. Thank you.
शक्ल दिखानी थी तुम्हारी बस। खाली जिम कितना खूबसूरत लगता है। I love the gym today. It's so empty. Back home and time for Vicky walk. Guys, अगर आप लोगों को पता है शायद मैंने अगर आप लोगों को पता है तो you would know that I am someone who's really, really, really bad with batteries. मेरे phone की battery हमेशा खाली होती है, मेरे MacBook की battery हमेशा खाली होती है, iPad की battery हमेशा खाली होती है, और मैं जब उठती हूँ ना मैं देखती हूँ कि मेरी चीज़ें ना चार्ज पे लगी हुई होती हैं। और ये कौन लगाता है? अली हमसा। ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग माई स्टफ। हम लोग ट्रैवल भी करते हैं ना तो चार्जर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर बैंक भी गाड़ी में गाय की होती है। मैं लेके ही नहीं गई थी, यू टुक साइड पे पड़ा था, तो लेके तुम गए थे। बकू कहाँ हुए, क्या हुए, क्या सुन रहे हो? चलो लेट्स गो। चलो ये देखिए जी, बिक्की साहब की आज पहली प्रॉपर वॉक है एंड ही हैज टू मच एनर्जी टुडे। खरगोश लग रहा है। बिक्की नो यू कांट गो देयर, यू कांट गो देयर। गोल्डी को जाने तो आप इधर आओ, आओ। और ब्रूनो साहब एज ऑलवेज लेजी लाइक हिज डैड। एक्सक्यूज मी। और चलो आ जाओ। चलो जी, हैप्पी एंड गोल्डी टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंजॉयिंग देयर लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे स्लिप होती भी नीचे आई। This is Goldie's way of saying I want food. खाली पैकेट खाने का। खाना दे दो। खाना मिल गया है दोनों बेबीज को। कम था क्या खाना? नहीं नहीं, जितना था वो दे दिया। नहीं तो बाकी डॉगोस के लिए? ये डाला। अच्छा, मैं और बिक्की आ गए ऊपर भाई टेरेस में। चलें जी गाइस, सैरी टाइम। मैं अभी टेबल पे आई हूँ और अम्मा ने कोई नगेट्स बनाए अपनी रेसिपी के लिए एंड आई हैड अ बाइट एंड उफ, दे आर सो गुड, सो सो गुड। ये शक्ल से इतने अपीलिंग नहीं लग रहे बट बहुत मज़े के हैं गाइस। आई कांट वेट फॉर द रेसिपी ताकि मैं भी इनका हेल्दी वर्जन बनाऊँ। हमारी अमेजिंग सासू माँ को देखें ज़रा। हम ज़रा कमरे से देर से निकले एंड सब की सहरियाँ माशाल्लाह से तैयार हैं। और नगेट्स मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, उनको आधे खा भी चुकी हूँ मैं। हमजा वो जो अलबैक होते हैं ना, वो चिकन के होते हैं, वो कीमे के नहीं होते हैं। ये कीमे के हैं? नहीं, चिकन के हैं ना। मम्मा बड़ी फ्रेंड हो गए, मैं मम्मा को बोला मम्मा ये चिकन टेंडर लग रहे हैं, नगेट्स नहीं लग रहे। यार जो भी है बहुत मजे का, ट्राई करो। मैंने किए हैं, मैंने खाया था, इसको खिला दिया था मैंने, है ना, क्रिस्पी। अम्मा इसमें ब्रेस्ट डाले? हां, ब्रेस्ट इतना टेंडर है। और अब अजान होने से पहले जो है मैं थोड़ा सा नाइट टाइम अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। सो आज की स्किन केयर जो है बहुत सिंपल है। आई एम यूजिंग द ऑर्डिनरी के कॉपर पेप्टाइड्स। इट इज ब्लू बट ये आपकी स्किन पे कोई कलर नहीं छोड़ता, सो डोंट वरी, यू आर नॉट गोना लुक लाइक अ स्मर्फ। अच्छा, सो कॉपर पेप्टाइड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा स्टडीड नहीं हैं जितना रेटिनॉल है, जितना विटामिन सी है, बहुत सारे और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, बट दे आर गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन द स्किन केयर इंडस्ट्री बिकॉज नंबर वन, ये जिस तरह से विटामिन सी ऑक्सीडेटिव डैमेज या फ्री रेडिकल डैमेज फाइट करता है, उस तरह से कॉपर पेप्टाइड्स की भी टेंडेंसी है टू डू द सेम। सो लॉट ऑफ पीपल इन द स्किन केयर इंडस्ट्री हैव रिप्लेस्ड विटामिन सी विद कॉपर पेप्टाइड्स बिकॉज बहुत सारे लोगों को विटामिन सी नहीं सूट करता, तो उन्होंने रिप्लेस किया हुआ उसको कॉपर पेप्टाइड्स एंड इट हैज़ वर्क आउट वंडरफुली फॉर देम। मैंने पर्सनली अभी तक इतना ज़्यादा नहीं ट्राई किया, ये मैंने यूके से ली थी बॉटल एंड आई ओनली यूज इट अ कपल ऑफ टाइम्स। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली इफ़ इट्स दैट इफेक्टिव और नॉट, बट मैंने आज से प्लान किया है कि मैं विटामिन सी की जगह कॉपर पेप्टाइड्स एक महीना यूज़ करके देखूंगी क्या फ़र्क पड़ता है। सो आई कीप यू गाइज पोस्टेड ऑन द रिजल्ट्स। कॉपर पेप्टाइड्स कैन ऑल्सो इंक्रीज कॉलेजन विच कैन बी एंटी एजिंग, एंटी रिंकल, ये सारी चीज़ें। सो ओवरऑल इट्स
sort of a complete product. It's sort of like retinol and vitamin C in one, which is very very exciting. And आपकी ये skin sensitivity भी नहीं बढ़ाता. दूसरा, अगर आप लोगों को retinol वाले benefits चाहिए, ऑब्वियसली उतने ज़्यादा फास्ट और एग्जैजरेटेड नहीं, बट रेटनॉल वाले बेनिफिट्स चाहिए, लेकिन रेटनॉल वाले इनिशियल साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए, जो पर्जिंग होती है, स्किन पीलिंग होती है, ड्राइनेस होती है, तो देर इज़ अनदर नेचुरल ऑल्टरनेटिव टू रेटनॉल विच इज़ कॉल्ड बाकुचियॉल और बाकुचायॉल और बाकुकियॉल. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट इट्स BAKUCHIOL. एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्टडीड है एंड इट हैज़ बिन शोन टू रेप्लीकेट द benefits of retinol without the side effects. तो वो भी मुझे try करना है. मुझे अभी यहाँ पर कहीं से मिल नहीं रहा, स्किन स्टोर पाकिस्तान में मुझे मिल गया है, but I'm waiting on another product जो उनकी shipment में आना है, and वो जैसे ही आएगा तो मैं मुझे वो deliver हो जाएगा और फिर वो भी मैं test करके आप लोगों को बताऊँगी कैसा रहा. Also a lot of people वो मुझे you know इस तरह की चीज़ें बोलते हैं कि आप इतने ज़्यादा products test करती हैं, आप अभी कभी कुछ बताती हैं, कभी कुछ बताती हैं, कभी कुछ बताती हैं. I like to think of myself as a skin influencer, which means कि someone who you know knows about skin care and influences people and teaches them about different products. So in order to do that, मुझे बहुत सारी चीज़ें try करनी पड़ती हैं. I have to, and you know it's not easy, किसी कोई नई चीज़ अपने मुँह पर लगाना, especially for someone like me जिसको you know अपनी skin से इतना प्यार हो और मैं इतना ख्याल रखती हूँ अपनी skin का. तो you know आप लोगों के लिए टेस्ट करने के लिए नो हर चीज़ मैं उठा के मुँह पर लगा लेती हूँ, सो दैट आई कैन एजुकेट एंड सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट. इट्स नॉट ईजी. तो दिस इज़ वट स्किन फ्लुएंसर्स डू. अगर आप जाके पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है स्किन फ्लुएंसर्स का, बट अगर आप वेस्ट में देखें और आप वेस्टर्न स्किन फ्लुएंसर्स देखें इंस्टाग्राम पे, तो लिटरली जितनी हमारी कपड़ों की अलमारी होती है ना, उतनी उन लोगों की शेल्फ होती है जिसपे स्किन केयर भरा हुआ होता है. एंड यू विल नॉट सी अ सिंगल कॉमेंट ऑन देयर यू नो पोस्ट की यू नो आप हर रोज़ कुछ नया बता रही होती हैं, हम क्या क्या खरीदें. मेरा जो काम है, मेरी जॉब है कि मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को हेल्प करूं टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, और फिर आप लोगों को जो सही लगता है और जो सूट करता है उस हिसाब से खरीदें. ऑब्वियसली जो एक बंदे की प्रायोरिटी होगी वो दूसरे की नहीं होगी, जो दूसरे की नहीं होगी वो तीसरे की नहीं होगी. सो आई हैव टू केटर टू एवरी वन. तो जैसे ही मैं कोई चीज़ शेयर करती हूँ उसको फ़ौरन खरीद ना लें, जाके उस पर रिसर्च करें, देखें इफ़ दैट्स व्हाट योर स्किन नीड्स और समथिंग एल्स एंड देन बाय इट. तो खैर हमारे कॉपर पेप्टाइड्स जो हैं वो सूख चुके हैं, अब हम लोग इसके ऊपर बस मॉइस्चराइजर लगाएंगे एंड वी आर गुड टू गो. मॉइस्चराइजर में जो है मैं ड्रंक एलिफेंट की पेप्टाइड क्रीम ही लगा रही हूँ, पॉलीपेप्टाइड क्रीम. देर इज़ नो रीज़न लाइक वाई आई एम यूजिंग दिस विद कॉपर पेप्टाइड्स. आप लिटरली कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. मुझे जो है आजकल थोड़ा ड्राई स्पेल हुआ हुआ है, तो क्योंकि ये मॉइस्चराइजर थोड़ा थिक है और डेंस है तो ये मुझे ज़रा सूट कर रहा है आजकल. दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस वन स्पेसिफिकली. एंड वी आर डन. ये एक बहुत सिंपल सी नाइट टाइम रूटीन हो गई. एंड आप लोग जो है कॉपर पेप्टाइड्स को सुबह में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. सो आई डू सजेस्ट गिविंग इट अ ट्राई. मैं अपने जो है आपको फाइनल वर्डिक्ट एक महीने बाद बताऊंगी. अभी डज सीम प्रॉमिसिंग टू मी, बट आई लेट यू नो माई फाइनल वर्डिक्ट आफ्टर अ मंथ ऑफ यूज. एंड फाइनली थोड़ा सा लिप केयर भी कर लें. ये ड्रंक एलिफेंट का लिप बाम है, बट यू कैन यूज एनी लिप बाम दैट यू लाइक, चाहे वो वैसलीन हो. वैसलीन इज द बेस्ट, यू कैन इवन जस्ट यूज वैसलीन. गाइज, तो उस दिन मुझे अपनी ग्रीन नमाज की चादर पे जो है बहुत क्वेश्चंस आए थे कि कहाँ से मैंने लिया है. दैट वाज फ्रॉम अ पेज ऑन इंस्टाग्राम कॉल्ड क्यूट लाहौर. सो इट्स KYOOTLHR इंस्टाग्राम पे. और ये जो है दिस चादर आई रियली 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 लाइक. इसमें ये बाजू भी हैं वो ग्रीन में भी थे. और ये जो है दिस इज़ फ्रॉम अ पेज ऑन इंस्टाग्राम कॉल्ड लेट्स कैट नैप. लेट्स LETS कैट CATNAP लेट्स कैट नैप. तो ये बहुत अच्छी है और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है. इट्स सो प्रिटी, वेरी फ्लोई एंड नाइस. सो आई लाइक दिस वन बेटर. सो आज जो है मेरी पढ़ाई भी नहीं हो सकी बिकॉज हम लोग जिम से काफ़ी देर से वापस आए थे. एंड बाय द टाइम वी गॉट बैक सहरी का टाइम हो चुका था. और अब जो है सहरी के बाद वी आर गोना गो टू स्लीप बिकॉज कल हमें जाना है लाहौर फॉर अ फ्यू डेज. डैडी
का जो है इनमोल हॉस्पिटल में कल ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी हिज फर्स्ट एवर इंजेक्शन एंड मी एंड अली बोथ वांट टू बी देयर. तो मम्मा और डैडी जो हैं वो कराची से आ रहे हैं लाहौर और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो हम लोग दोपहर में निकल जाएंगे. अम्मा भी जा रही है हमारे साथ, शी हैज़ टू मीट नमूद आंटी, उनकी जो दोस्त हैं लाहौर में, उनसे उन्होंने मिलना है. तो वी आर ऑल गोइंग टू लाहौर टमोरो और हम लोग इंशाल्लाह मंडे को वापस आएंगे. तो देर आर अ लॉट ऑफ न्यू पीपल जो मुझे फॉलो करते हैं और अक्सर मैं डैडी की जब तबीयत की बात करती हूँ तो मेरी वीडियो में बहुत कमेंट्स आते हैं कि उनको हुआ क्या है और हाउ इज़ हिज हेल्थ एंड व्हाट्स रॉन्ग विद हिम एंड उनको क्या है. तो डैडी जो है ही वाज डायग्नोस्ड विद प्रोस्टेट कैंसर 3 years अगो और ऑन एंड ऑफ उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स किए हैं. इनिशियली उनको हार्मोनल थेरेपी पे डाला था विच वर्कड रियली रियली वेल फॉर हिम. PSA जो होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं. फॉर पीपल दैट डोंट नो, प्रोस्टेट जो होता है वो एक मेल स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, ठीक है ना. और ओल्ड एज में जो है प्रोस्टेट कैंसर इज़ वेरी वेरी कॉमन. फॉर्चुनेटली जो है प्रोस्टेट कैंसर इतना अग्रेसिव नहीं होता जितने बाकी कैंसर्स होते हैं, बट इन दी एंड इट्स स्टिल कैंसर. सो तो 3 साल पहले डैडी को डायग्नोज हुआ था, उनको इनिशियली हार्मोन थेरेपी पे शुरू किया था. इट वर्कड आउट रियली रियली वेल फॉर हिम बट उसके साइड इफेक्ट्स वो नहीं टॉलरेट कर सके, तो वी हैड टू स्विच टू अनदर मेडिकेशन जो उन्होंने 2.5 साल ली, वो भी काफ़ी उनको सूट की. फिर इवेंचुअली जाके एक पॉइंट पे सूट करना बंद हो गई एंड हिज PSA जो मार्कर होता है बेसिकली जिससे पता चलता है कि आपकी डिजीज़ कहाँ पे है, वो वापस से बढ़ना शुरू हो गया. फिर चेंज की उनकी, फिर जो नई दवाई थी उससे 1 हफ्ता कंट्रोल हुआ, अगले हफ्ते से फिर बढ़ना शुरू हो गया. सो हिज़ ऑनकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान है, वो पहले जो है आ खान में होते थे, फिर वो कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल में होते हैं, अब आई थिंक कुछ छोड़ के सऊदी जा रहे हैं. उन्होंने भी, और फिर डॉक्टर नजीब एक बहुत फेमस ऑनकोलॉजिस्ट हैं कराची में, SIUT में होते हैं, उन्होंने भी. एंड देन डॉक्टर फरहत अब्बास, ही इज़ वन ऑफ पाकिस्तान फाइनेस्ट यूरोलॉजिस्ट. इन तीनों ने जो है उनको रिकमेंड किया एक ट्रीटमेंट जो सिर्फ लाहौर में इनमोल हॉस्पिटल में होता है फॉर प्रोस्टेट कैंसर स्पेसिफिकली. आप लोगों को याद होगा कि हम लोग PSMA पेट स्कैन भी कराने के लिए इनमोल गए थे, तो ये जो PSMA पेट स्कैन है ये भी सिर्फ लाहौर में होता है. पेट स्कैन्स तो बहुत जगहों पे होते हैं बट ये एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक पेट स्कैन होता है जिससे पता चलता है कि डिज़ीज़ का लोड क्या है, डिज़ीज़ कहाँ कहाँ स्प्रेड की हुई है और बाकी आपकी बॉडी की क्या सिचुएशन है. वो कराने के लिए हम लोग लाहौर गए थे, तो वो इस ट्रीटमेंट को शुरू कराने का जो एक क्राइटेरिया होता है वो लोग वो देखते हैं एंड देन दे स्टार्ट द ट्रीटमेंट. तो खैर ये जो ट्रीटमेंट है इट्स अ न्यू ट्रीटमेंट, इसको भी कुछ ही महीने हुए हैं अप्रूव हुए हुए, बट इट हैज़ बिन प्रॉमिसिंग फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स और इसके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं. एंड इनमोल इज़ दी ओनली हॉस्पिटल इन पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है. तो इस ट्रीटमेंट का जो है नाम ल्यूटेशियम है एंड ये इंजेक्शन होता है एक IV जो आपको 3 to 6 weeks के इंटरवल पे लगता है और अबाउट 3 to 6 doses लगते हैं. ये जो है लकीली हम लोग इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन मोल, क्योंकि ये दवाई जो है जो इंजेक्शन इटसेल्फ होता है ये जर्मनी से आता है, तो ये काफ़ी 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 महंगा है एंड बहुत टैक्सिंग भी हो जाता है. बट यू नो लाइक आप अपने लव्ड वंस को और अपने ख़ास तौर पर अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखना और एक इस तरह की इतनी डेडली बीमारी से गुजरते हुए देखना, बंदा तो दफ़ा सोचता भी नहीं है कि क्या पैसे क्या नहीं. तो खैर वो इंजेक्शन जो है उनको कल पहला लगना है डैडी को. तो डैडी और मम्मा जो हैं वो कराची से आएंगे, उनकी भी फ़्लाइट है, दे विल रीच अराउंड 8 PM और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह दोपहर में. सैटरडे की सुबह को 8:30 बजे उनको इनमोल में लगना है इंजेक्शन. तो आप लोगों से सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, प्लीज़ प्रे फॉर हिम और दुआ करें कि ये उनके हक़ में बहुत बेहतर हो इलाज और उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, वो पेन फ्री हो जाएं, उनको पहले जैसे हो जाएं, उनको किसी भी किस्म की जो है दवाइयों का और पेन किलर्स का और इन चीज़ों का सहारा ना लेना पड़े और बस अल्लाह ताला उनका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे और वो बस हेल्दी और हैप्पी हो जाएं वापस से. ये वाली नींद चाहिए भाई, इतना टेंशन फ्री होने दिल्ली कसम से.
मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैं कहाँ देखती हूँ, मैं ये प्राइम पे देखती हूँ, अमेजोन प्राइम पे। आर यू स्लीपी? आई एम नॉट स्लीपी बट आई एम ट्राइंग टू स्लीप। और प्लीज़ टीवी बंद करके तुम गाइज ये देखें, इनकंसिडरेट होने की भी हद होती है। एक बंदा सोने की सारी आवाम को पता है कि तुम चाहे कुछ भी हो रहा हो तुम सो जाओ। अगर मैं सो जाऊँ फिर देखो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, सोने की कोशिश करो। आप में से यार किसी ने कमेंट किया था उनको इतनी चहक बताई थी कि एयरपॉड्स पे कनेक्ट करके मेरे कानों में दर्द होता। फिर इन्होंने कभी अब ये नहीं पहनती, पहले तुम पहले एयर प्लग दे दो। ये बिस्किट को जो है ना बुरे ख्वाब आते हैं एकदम से, बेचारे को नजर लगा दी। अभी इसकी नींद की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मेरे पास गिफ्ट है, ठीक है? एयर प्लग्स रखो इसको, तुम्हें जरूरत है इसकी। हाँ मुझे तो है तुम्हारी फराटों की वजह से। हमें सुबह उठना है। मैं उठ जाऊंगी अली, मेरा प्रॉब्लम है तो मुझे भी उठाना है ना। उठा दूंगी। मुझे सुबह जल्दी उठना है, काम करने हैं, फिर मुझे जुम्मे के लिए जाना है, फिर मुझे और भी काम है। सब हो जाएगा, डोंट वरी। करो ना बंद, सोए सोए। लेट्स स्लीप। आर यू स्लीप? स्लीप। यू स्लीप? लेट्स स्लीप। यू स्लीप? यू सपोज टू हाई फाइव मी। इसका मतलब ये है कि हाई फाइव करके टीवी बंद करो और सो जाएं। नो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर अप एंड रेडी फॉर लाहौर। मैंने चेंज कर लिया है एंड दिस इज द सूट दैट मामा गॉट मी इन कराची फ्रॉम एथनिक। मैं भी आप लोगों को फुल दिखाऊंगी, तब तक उससे पहले थोड़ा सा तैयार हो जाए। आई एम जस्ट डूइंग अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन। मॉइस्चराइजर के लिए आई एम यूजिंग द लॉरियल की हाइलुरोनिक क्रीम। सनस्क्रीन में आई एम यूजिंग एसेंट्री। जी अब मेकअप करते हैं। फाउंडेशन में मैं जॉर्जियो आर्मानी की ल्यूमिनस सिल्क फाउंडेशन लगा रही हूँ। माई शेड इज 4.5 इन दिस। थोड़ी सी फेल कंटोरिंग, कंटोरिंग भी कर लेते हैं। मैंने किसी इंस्टाग्राम ट्यूटोरियल से सीखा था द थ्री मेथड। हमारी 3 बजे मीटिंग है, उसका वेट कर रहे हैं। एक ऑनलाइन मीटिंग है थोड़ी देर की। किसकी? किससे जी? परफ्यूम कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं, कौन सा लगाएं? आई थिंक आई एम गोइंग टू लाइक दिस। ये है जॉर्जियो आर्मानी का टेरा डी जुआ और यही साथ लेके जाऊंगी। एक सनस्क्रीन रख लेते हैं फॉर रीएप्लीकेशन, स्नेल म्यूसिन माय होली ग्रेल, तो मैं भूल ही गई थी। हो गई आपकी पैकिंग सर? जल्दी कर लें। डिसाइड करूं क्या क्या लूँ? आधे कपड़े इधर उधर हो गए भाई, इसका हमेशा कपड़ों का ही मसला बना होता है। सही बात है ना। दिस इज द कंप्लीट आउटफिट विद वेरी प्रिटी बाजू। चले जी 4 बज गए एंड वी आर फाइनली लीविंग। फाइनली रूम में।
भाई क्या करें, हमारी मीटिंग थी। ये BTS देखें जरा आप लोग, BTS निगर्स किचन का BTS दिखा रहे थे हम लोग। BTS ये गिफ्ट किसका है अम्मा? ये वो जो 4 महीने पहले आप लोग गए थे, मैंने तो आंटी के लिए लिया था। ये वही है, तब का पड़ा हुआ। इसमें है क्या? इसमें देख सकते हाँ वो आपको देखते देती रहती हैं, आप उनको देती रहती हैं। लग रहा है कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। मेरे जूते भी हाथ में, जिम के लिए जिम जो है फॉर अ चेंज। एक तो मेरी आंखें भी नहीं खुली, आज हम लोग फॉर अ चेंज मेरी गाड़ी में जा रहे हैं फॉर फ्यूल सेविंग, फ्यूल एफिशिएंसी। अम्मा बैठ जाएंगी मेरी गाड़ी में? हाँ क्यों? आपको वड्डी गड्डी का शौक है ना? गड्डी का लेटने का शौक है। हाँ लेटने का भी शौक है। लेटने के प्लान बना रही है, बोल रही है सामान आ गया, अब तो मैं लेट भी नहीं सकती, थोड़ी टेढ़ी होके लेट जाऊंगी। सब्जियां देख रहे हैं क्या कर रहा था आगे? बिल्कुल नहीं बची अम्मा, गुड लक। गाइस मेरा तो पर्स भी जो है ना सूटकेस बन गया। ये सनस्क्रीन, मोर सनस्क्रीन, कॉलेजन। देखो ऐसे मॉन्स्टर लेके आई हो। कॉलेजन, लिसन जिम जाना है। अच्छा मुझे बात बता जी, तुम्हें स्किन केयर लिए? हां स्किन केयर। दैट इज गेट जस्ट वेयर अबाउट 10 मिनट्स इनटू द ट्रिप एंड चलो। या कैसा लग रहा है आपको छोटी गाड़ी में? यार आई मीन कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, यू नो कॉम्प्रो थोड़ा सा मैंने कर लिया। मतलब बेसिकली मैं जब आया था ना इसमें, मेरी थोड़ी हाई होप्स थी। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मतलब क्या इतनी चर्बी चढ़ी हुई है। फिर जब मैं मोटरवे पे आया ना, फिर मैंने सोचा मैं गलती हो गई, गाड़ी घुमानी चाहिए थी, दूसरी गाड़ी लानी चाहिए थी। लॉन्ग के लिए बड़ी छोटी गाड़ियाँ बनी हुई, फिर मुझे मेहरान भी नजर आने। मैं कह रहा अगर मेहरू जा सकते मेहरान से बेहतर है, अगर मेहरान जा रही है, मैं मेहरान में अगर आप कोई बैठे हैं ना, और 120 की स्पीड पर जा रहे हो, तो गाड़ी हुई हुई होती है, अंदर वाले बैठने वाले को फील होता है कि हमारे पास रही है। मैं पहले गया था ऑल्टो पे, एक दफ़ा ऑल्टो सही थी लेकिन आप थक जाते, फिर जब आप बड़ी गाड़ी पे जाते ना, फिर आपको चढ़ जाती है। हम जब ऑल्टो पे गए थे 90% मैंने चलाई थी यार, फिर आपको चढ़ जाती है, आपको चल। फिर हम बड़ी गाड़ी पे जाना स्टार्ट हुए, फिर यार देखिए अपने ना पैर चादर से ज़्यादा ना ज़रा सोच के फैलाएं, क्योंकि अगर बाहर निकल गए ना फिर चादर के अंदर वापस नहीं आते, तो इसीलिए अभी चल रहे हैं ज़रा जो भी लेना है ले लो। और रास्ते में मैंने मैंने जानू मेरी बात सुनो, खानी है और पानी पीना और मैं चलाता रहूंगा। लिंडा लिसन, हम 6:05 पे भेड़ा पहुंचेंगे, ठीक है? हमें ऑर्डर करते हुए खाना मिलते हुए 20 मिनट तो लग ही जाएंगे ना, तो इफ्तार हो जाएगी। हाँ अभी का टाइम है डम 5:49। हाँ बात तो सही है, थैंक यू। नमाज भी पढ़नी है जी, बिल्कुल। रात का खाना कहाँ खाना है? रात का खाना कहाँ खाना है आप बताएं, आपको कहाँ खाना है? कहीं भी अच्छा सा। लेकिन हमारे साथ अम्मा को पता है आजकल किससे ऑब्सेशन हुआ है? किससे? कौन सा रेस्टोरेंट बोल रही थी अम्मा? यम। हाँ वो कह रहे थे लाहौर का बड़ा अच्छा है। अम्मा बहुत बुरा था इस्लाम बता रहे थे, इतना बुरा था। उस दिन हम गए थे, किस दिन? शादी से पहले। कौन गया था? हम लोग गए थे F7 मरकज में, वो मैं और तुम जी। नहीं शादी के बाद मैं तो कभी नहीं गई। अम्मा मैं और तुम गए थे। अच्छा वो जो हम बाहर बैठे थे वो यम था वो जो इतना गंदा था। अच्छा अम्मा बहुत बुरा था, खाना भी नहीं अच्छा था। आपने गई थी? हमने इफ्तार प्लेटर खाया था, नहीं कोई रमजान ही था। मुझे तो KFC खाना था, बट मोटरवे के इस साइड पे KFC नहीं है, भेरा स्टेशन पे। मुझे ऑफ लग रहा है या तो खाली बहुत है? खाली बहुत है इसलिए लग रहा है तुम्हें ऑफ। हमारी इफ्तारी खजूर ही नहीं दी यार, इफ्तारी का मतलब क्या? मैकडॉनल्ड्स क्यों खजूर देगा? सब सबके पास होती थी खजूर। खजूर वैसे वाकई नहीं दी, पानी खजूर होनी चाहिए। अम्मा अब इतनी अच्छी मैच हो रही है पीछे, ये हार करके हम लोग फारिग हो गए हैं। अम्मा मेरी बेचारी को चाय चाहिए थी, चाय नहीं मिली मैकडॉनल्ड्स से, अब कॉफ़ी पीनी पड़ेगी अम्मा को। ये नहीं
पी रही हूँ, वो अली हमजा कॉफ़ी ले रहा है। तुमने एस्प्रेसो लिया? बच्चों चाय नहीं थी इनके पास। सियाल आ गए हम लोग अबाउट एन आवर और एन आवर एंड हाफ अवे एंड माय टर्न ऑन द व्हील। दिस गाय नीड्स टू नैप। नैप नहीं जरा बस रिलैक्स। गुड नाइट। मुझे रात को सबको हमारी यूटी फैमिली को पता है इसके रिलैक्स का क्या मतलब होता है। थक गया यार मैं तो सारा रास्ता चला मैं तब तो बनता है थोड़ी सी घंटे की ड्राइव है टोल प्लाजे से ले लूंगा। वी आर फाइनली इन हलोर और इन साहब ने तो सो सो के गुजारा है सारा रास्ता। मैं बेचारी इतने अंधेरे में ग्लेयर पड़ रहा था साइडों से इतना गाड़ियों का और मैंने गाड़ी कितनी मुश्किल से चलाई सिर्फ मैं जानती हूँ। तो मशीन सारी सारा रास्ता मैंने चलाई है ड्रामेबाज। लेकिन लाइट में चलाना और अंधेरे में मुश्किल से डेढ़ घंटे इसने गाड़ी चलाई है। दो घंटे चलाई है। कोई दो घंटे चलाई है। अभी देखो सिग्नल खुलने वाला है आगे चलाओ। तुमने जो वीडियो बनाई थी जिसमें तुमने बोला था कि अबनिया ने गाड़ी ले ली देख लो कब बनाई थी किस टाइम। हम आ गए हैं होटल और मम्मा डैडी भी अभी हमारे सामने ही ऊपर गए हैं सो आई थिंक हमें कमरे से पहले ही मिल जाएंगे। ये चलिए जी गाइस हम लोग होटल में आ गए हैं। मम्मा डैडी का कमरा भी बराबर में है उनसे मिल मिला के हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग अहमद भाई के साथ खाने पे बाहर जा रहे हैं। आई जस्ट क्विकली हैड टू रन टू द रूम एंड गेट माई पर्स और आप लोगों से मुलाकात भी कराते हैं मम्मा डैडी अहमद भाई सबसे। मम्मा के मुंह में पान है अभी सो शी कांट ऑब्वियसली टॉक तो वंस उससे वो फारिग हो जाए तो फिर मिलवाएंगे। डैडी माशाल्लाह से यू लुक सो हैंडसम। व्हाइट इज योर कलर। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह आप ही एक स्टार हैं यहाँ पे इसलिए मैं सिर्फ आपकी वीडियो बना रही हूँ इनकी नहीं बना रही बिल्कुल भी। काला मेरा नहीं मैंने भी व्हाइट पहना था आज फ्राइडे है ना तो मेरा ये बहुत पुरानी एक आदत थी कि जुम्मे को मैं व्हाइट पहनती थी तो मैंने कहा आज पहनूं तो व्हाइट जब मैंने पहना तो डैडी ने भी आपकी मैचिंग नहीं एथनिक का था और वो थोड़ा सी थ्रू था और डी शेप सा लग रहा था तो मैंने वो टैग के साथ बंद कर दिया कि वो वापस कराना है। अच्छा लेकिन डैडी पे व्हाइट बहुत अच्छा लग रहा है आप पे काला अच्छा लग रहा है आप पे तो सभी अच्छा लगता है माशाल्लाह। डैडी पे भी सब अच्छा लगता है माशाल्लाह। अब वो देखें ब्लैक व्हाइट ब्लैक। चले जी सासू माँ चले लगी नहीं ना मैं अभी मिलके गई थी आपसे इतना मीच जो किया था वो तो एक दिन वाला तो ख्वाब लग रहा था बिल्कुल तो बेहोश होने वाली हो गई बेहोश होने वाली मम्मा बोलती है कसम से मेरा मुंह ही नहीं बंद हो रहा और मैं कोई एक मिनट ऐसे ही मुंह खुला हुआ यूं देख रही है नबिया को तो नजर ही नबिया पहले उठी बोलती कौन है चश्मा पहन के देखा फिर भागती भी आई अच्छा वो चीखी फिर डर गई आया से क्योंकि एक दफा पहले चीखी थी तो आया तो पैनिक हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। रेस्टोरेंट अहमद भाई हम लोग आए क्या इनकी स्पेशलिटी है के मंदी टाइप बनाते हैं अच्छा शैंक कढ़ाई है इनकी अच्छी शैंक कढ़ाई जी वाह भाई अहमद भाई वैसे खाने के बहुत शौकीन है तो आई एम श्योर कि अच्छा ही होगा शैंक कढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी। हमर सरिया ने कलिया मजा आया आपको खाने का बहुत ही मजे का खाना था एक्सेलेंट वेरी यम यम और इतनी छुपी हुई जगह पे भी मैं समझी कि यहाँ लोग नहीं है लेकिन अभी इस वक्त जो लोग आना शुरू हो रहे हैं बहुत रश हो रहा है टू गुड और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी गंदम अपनी दूध अपना घी अपना मवेशियों का घी मक्खन सब अपना है तो वो टेस्ट में नजर आती है चीज गोश्त की क्वालिटी भी बहुत अच्छी। सी यू सून। हम लोग वापस आके थोड़ा सा सो गए थे अबाउट 1 आवर और अब हम लोग जा रहे हैं वेरी स्लीपी फॉर अ क्विक सहरी। बस रोज़ा बंद होने में लिटरली 15 मिनट हैं जो 15 मिनट में खा सके हुए खा लेंगे। स्लीपी हेड। रोज़े के बाद भी हम लोगों को आई थिंक 1 घंटा ही सोने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। दिस इज़ माई सहरी नॉट द मोस्ट ऑप्टिमम बट जल्दी जो मिला मैंने ले लिया। चलें जी मैं नमाज पढ़ूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।